नंद किशोर जी, क्या ये बात ठेस पहुंचाती है? इतना बड़ा प्रांगण है लेकिन युवा कवियों की संख्या क्या है, या नई रचनाएं कितनी आ रही हैं? बहुत कम। क्या ठेस पहुंचाती है? मैं ये सवाल समझ नहीं पाता कि कम आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं। सवाल ये है कि जिसकी अपनी आत्मा की तलाश में रुचि है वो कविता की तरफ जाएगा, कविता लिखेगा, कविता पढ़ेगा, कविता समझेगा। कविता अगर आपका समय ऐसा है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को खोता जा रहा है, बल्कि भूलता जा रहा है कि वो मनुष्य है, भूलता जा रहा है कि वो केवल इंद्रिक जीवन नहीं है, भूलता जा रहा है कि वो एक चेतना है, तो जिनकी रुचि इसमें कवि क्या करेगा और कविता भी क्या करेगी? अगर आपकी रुचि ही उसमें नहीं है, मैं बड़ी साफ, मैं ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल साफ बात करना पसंद करता हूँ कि अगर स्वयं आपकी रुचि अपने को जानने में नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं जनवा सकता। ये सीधी सीधी बात है। तो वो लोग जिनकी अपने को, अपने संवेदनात्मक आत्म को जानने में रुचि है, वो कलाओं और कविता की तरफ जाते हैं। जिनकी इसमें रुचि नहीं है, काफ़ी हमारा समय भी इसके लिए जिम्मेदार है कि रुचि क्यों नहीं है। समय ने हमारे को इतना इंद्रिक बना दिया है, आप कहते हैं इसका जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, जीवन स्तर ऊंचे की अगर जो पैमाना आज हम मानते हैं तो गांधी जी महान निम्न स्तर का जीवन जी रहे थे, वो कोई हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं था। तो हमने जीवन स्तर का जो रूप मान लिया कि यह जीवन स्तर है, वो तो ऐंद्रिक जीवन है। जितनी ज़्यादा केंद्रिक सुविधाएं आपको मिलेगी आपका जीवन, तो मनुष्य अपनी चेतना को खोकर के अपने आप को एक केवल मात्र ऐंद्रिक अस्तित्व में बदलता जा रहा है। और आपका, आपकी जो अभी सत्ता की बात हुई थी, सत्ता के कई रूप है, राजनीतिक सत्ता ही नहीं, आपकी राज्य सत्ता, आपकी अर्थ सत्ता और सत्ता के जितने दूसरे रूप हैं, वो सभी चाहते हैं कि आप केवल ऐंद्रिक अस्तित्व रहें, आप सोचने विचारने वाले व्यक्ति न बने, क्योंकि इससे सत्ता को हमेशा खतरा महसूस होता है, विचार सत्ता के लिए खतरा है, तो वो नहीं चाहते। अब ये आपको जबरदस्ती को विचारवान भी नहीं बना सकता, आपको इसके लिए स्वयं ही सचेत होना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या किया जा रहा है, मैं किसका उपकरण बन रहा हूँ, शिक्षा मुझे किसका उपकरण बना रही है, बाजार मुझे किसका उपकरण बना रहा है, चैनल और अखबार मुझे किसका उपकरण बना रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ, वो मैं समझ रहा था आप क्या कहना चाह रहे थे, इसलिए मैं खुद ही कह रहा हूँ। अब आप ये समझेंगे इस कविता को सुनकर कि आप चाहें तो इसको अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर लागू करें, आप चाहें तो इसको एक राजनीतिक कविता समझें, आप चाहें तो इसे एक धार्मिक आध्यात्मिक सत्ता के साथ संबंध पर लागू करें। एक छोटी सी कविता, बहुत मैंने वही 18-20 साल की उम्र में प्रेम कविता भी चाहें तो समझ सकते हैं इसे। एक छोटी सी कविता है, बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं, बुरा तो नहीं मानोगे यदि मुझे अब तुम्हारी बांसुरी बने रहना स्वीकार नहीं, यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, यह नहीं कि मैं उपेक्षित हुआ, बल्कि अधरों पर तुम्हारे सदा सज्जित रहा, किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा, किंतु मेरा कब रहा संगीत वह जो मेरे ही रंध्र रंध्र से बहा, मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पंख जो तुम्हारे मुकुट पे चढ़ी, मुझसे तो अच्छी रही वह मोर पंख जो तुम्हारे मुकुट पे चढ़ी और न भी चढ़ती, पर जिसका सौंदर्य उसका अपना था, यह अंतर क्या कम है कि तुम्हारा संगीत मेरी व्यवस्था है और मोर पंख का सौंदर्य तुम्हारी, बुरा न मानना मैं अब तुम्हारी बांसुरी नहीं रहा। क्या बात है, तालियां हो जाएं।